सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टड मोटो ब्लॉग। सो कैसे भाई आप लोग? तो भाई आज हमारे पास एक और बजाज की बाइक आ चुकी है, पल्सर 125 सीसी की अपनी बाइक है ये। और भाई ये आपको पता ही है, जैसे स्पोर्ट्स नेकेड में टाइप में आ जाती है ये। इसकी अगर हम लुक्स की बात करें, सबसे पहले लुक्स बड़ी शार्प मिलती है इसके साथ, और नेकेड बाइक में सबसे सही मतलब आप KTM 125 में जाओ और NS 125 में जाओ तो ये बहुत 1 लाख का फ़र्क आ जाता है भाई इनके प्राइस में। इसका ऑन रोड कुछ 1,16,000 कुछ पड़ जाता है, और वही KTM 125 का 2 लाख प्लस चला जाता है, 2 लाख आ जाता है। तो भाई 125 सीसी में सबसे बेस्ट बाइक है, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है आपके पास। और लुक्स में भी बात करें तो लुक्स में भी बहुत बढ़िया लुक्स आती है इसकी। और पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात करते हैं। फ्रंट लुक में यहाँ पर छोटा सा वाइज़र मिलता है, विंडस्क्रीन मिलती है, साइड में ये थोड़ा मैट फिनिश में ब्लैक कलर में दे रखा है, और यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट मिलती है। और साइडों में अगर इसके इंडिकेटर की बात कर ले तो यहाँ पर हेलोजन इंडिकेटर दे देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसके आगे मडगार्ड की बात करें तो इन्होंने थोड़े ग्राफिक्स बना रखे हैं इस बार, जो कार्बन फिनिश में ग्राफिक्स दे रखे हैं, जो कि और अच्छा अट्रैक्टिव बना रहे हैं इसको, और अच्छा कलर लग रहा है इसमें। और इसके अब टैंक पे आ जाते हैं। टैंक यहाँ पर 12 लीटर का टैंक मिलता है, जो कि आपको 55 तक की माइलेज दे देता है भाई, 55 तक की। सुन लो भाई कितनी बढ़िया माइलेज दे रहा है ये। और यहाँ पर आ जाती है पल्सर की लोगो, पल्सर का लोगो बहुत अच्छा लग रहा है भाई इस पर। और 12 लीटर का है टैंक, तो बहुत अच्छा टैंक दे रखा है, और माइलेज भी बहुत अच्छी है। अब इसके हम मीटर पर आ जाते हैं, तो मीटर इसमें इन्होंने, ये इसका मीटर है, ये RPM मीटर है, और ये डिजिटल मीटर है, ये फ्यूल इंडिकेटर है, ये फ्यूल बता देगा यहाँ पर, और ये यहाँ न्यूटन होगी तो यहाँ पर ये न्यूट्रल का वो बता देगा साइन। यहाँ बजाज का लोगो है, तो यहाँ बैटरी का वो साइन है, फिर सर्विस का भी यहाँ है। तो भाई अब इसकी तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, जो कि इसके फ्रंट टायर। फ्रंट टायर में आपको मिल जाते हैं 70 mm के टायर, और रेयर टायर मिलते हैं आपको 120 mm के। तो सही टायर है भाई, 125 सीसी के हिसाब से सही टायर दे रखे हैं इन्होंने। और अगर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर ले तो भाई इसमें सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में मतलब ड्रम ब्रेक्स मिलती है आपको। ब्रेकिंग्स भी अच्छी खासी दे रखी है। और अब अगर इसकी चौथी बात करें तो हम आ जाते हैं इसके बैक लुक के बारे में। तो भाई बैक में यहाँ पर यही शार्प वो टेल लाइट दे रखी है, और पीछे हेलोजन इंडिकेटर्स दे रखे हैं। और इसके साइड लुक की बात करें तो भाई बड़ी शार्प सी लुक आती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, नेकेड स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी बाइक है ये। इसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है औरों के मुकाबले। और यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन दे रखे हैं पीछे और आगे, जो कि आपको मतलब अगर गड्ढे गुड्ढे में ज़्यादा फील नहीं होगा, और बहुत कंफर्टेबल बाइक है। अब इस पर हम बैठ के भी दिखाएंगे, और इसकी एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाएंगे कैसी है। पहले इस पर हम कंफर्ट दिखाते हैं भाई, कितना कैसा है कंफर्ट है भाई। बहुत बहुत कंफर्टेबल बाइक है, मैं कह रहा हूँ भाई, इसमें आप कहीं भी लॉन्ग राइड पर जा सकते हो आराम से, बिल्कुल ऐसे सीधे होके चलाना है। इसमें कहीं आपका बैक पेन नहीं होगा, ना हैंड पेन होगा। और आपको इसका ऑनेस्टली बताऊँ, एक चीज़ में मेरे को इसका कौन लगा कि इसका जो हैंडल है वो बहुत भारी है, ज़्यादा भारी है इसमें हैंडल, तो मोड़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी इसमें और कुछ वो नहीं है, सेटिंग पोस्टर तो बहुत अच्छा है, बस इसका हैंडल बहुत भारी है, टाइट है, बहुत स्टिफ है। अब आ जाते हैं इसके भाई यहाँ पर सीट पे। इस बार इन्होंने कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइन भी बना रखे हैं, जो कि अच्छे लग रहे हैं बहुत। और इसके पिलियन सीट की बात करें तो पिलियन सीट थोड़ी सी ऊँची है, थोड़ी जो स्पोर्टी लुक देती है हमें। और यहाँ पर पिलियन के लिए पकड़ने के लिए भी दे रखा है, ताकि कंफर्टेबल रहे, मतलब पिलियन को गिरने फिरने का डर ना रहे। और अब आ जाते हैं भाई इसके गियर बॉक्स पे। तो इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, कि यहाँ पर है ये देखो भाई, जो नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक में होता है, पहला गियर नीचे बाकी चारों ऊपर, वही गियर दे रखा है इन्होंने। और यहाँ पर अगर इसके इंजन पे आ जाते हैं, अब इंजन में यहाँ पर इंजन प्रोटेक्टर भी दे रखा है इन्होंने। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो इसमें 11 PS की पावर मिलती है, और 11 Nm का ही टॉर्क मिलता है, जो कि अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस कर देता है 125 cc के लिए। और इसकी टॉप स्पीड ये अचीव कर लेती है 122-123, वो राइडर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे चलाता है भाई बाइक।
तो भाई जैसे हम पल्सर 150 की बात करें तो उसमें किक स्टार्ट नहीं दे रखा, तो इसमें किक स्टार्ट भी दे रखा है इन्होंने, जो कि आप किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों कर सकते हो। अगर आपका इंजन कई बार बैठ जाता है तो आप इसमें किक स्टार्ट का भी ऑप्शन दे रखा है, और इसमें दो स्टैंड दे रखे हैं, डबल स्टैंड भी दे रखा है और सिंगल स्टैंड भी दे रखा है, जो एक इसकी एडवांटेज है जो कि स्पोर्ट्स बाइक में नहीं आता। ये रहा डबल स्टैंड इसका। और यहाँ पर इसके स्टिकरिंग की बात करें तो यहाँ पर NS 125 का स्टिकर दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सिंपल सोबर लुक है इस बाइक की, और जो बहुत अच्छी लगती है। भाई मैं इसकी 2022 में बात करूँ तो ये वैल्यू फॉर मनी बाइक हो सकती है आपके लिए। अगर आपका बजट 1,16,000-1,20,000 तक का, तो ये वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। सिटी राइड के लिए चाहिए आपको, अगर लॉन्ग टूर भी मारते हो तो बहुत सही एवरेज भी देती है और कंफर्टेबल भी है, तो आप कहीं भी लेके जा सकते हो इस बाइक को, तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी श्योर हो सकती है ये। तो भाई यही थी आज की हमारी कुछ डिटेल रिव्यू NS 125 की, और ऐसी और डिटेल रिव्यू देखने के लिए बाइक के तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, लाइक भी कर देना चैनल, और मिलते हैं आपको अगली ऐसी बढ़िया सी वीडियो में और अच्छी अच्छी बाइक्स लेके। तब तक के लिए गुड बाय। Can I be your superhero?